तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे न्यू व्लॉग्स में। तो गाइज, आज हम लोग व्लॉग लेके आ गए भट्टे के ऊपर। तो हम लोग जा रहे हैं आज सीधा भट्टा पे, और हमारे साथ जो कि है हमारी टीम पहुंच चुकी है वहां पे। दो या तीन लोग हैं, सलीम भाई है और मिस्टर फर्रू है और अब्दुल बारी, वो तीन लोग पहुंच चुके हैं भट्टे पे। और हम यहाँ पे दो लोग हैं, दो गाड़ी जा रही है हमारे साथ, जो कि यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आप लोग, हम आदिल है। और हम लोग अभी गांव में ही हैं, बस जस्ट अभी पहुंचेंगे, तुरंत व्लॉग स्टार्ट करेंगे वहां पे पहुंचने के बाद भट्टा पे। ठीक है, तो आज का व्लॉग काफी बेटर है, तो चलनी है, चलते हैं भट्टे पे। जैसे कि भट्टा पे पहुंच चुके हैं, आप लोगों को भट्टा दिखाते हैं सीधा वहां पे जाने के बाद। और यहाँ पे हमारे सलीम भाई और जो हमारे मतलब बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे, जो हमारे साथ आए थे, उन लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी है और वो चले गए भट्टा देखने के लिए। हम यहाँ पे अपील कर रहे हैं अभी, अब चलते हैं हम लोग भट्टा दिखाने के लिए, बुला रहे हैं वो। भट्टे के ऊपर जाने का रास्ता कितना ज्यादा खराब हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा ये सीढ़ी है। हम लोग आ चुके हैं अंदर, ये देखिए काफी ज्यादा गड्ढा है। ये तो अंग्रेजों के जमाने का, ये तो अंग्रेजों के जमाने का लग रहा है। केवल ईट ईट दिख रही है और कुछ दिख नहीं रहा, मिट्टी उट्टी तो वगैरह दिख नहीं रही है, ईट ईट दिख रही है। यहाँ पे अभी खुदाई चल रही है और उस समय वहां पे खुदाई हो चुकी है और यहाँ पे खुदाई चल रही है। मुझे लगता है ये वाली खुदाई करने के बाद यहाँ पे लाके मिलाया जाएगा, इसके लेवल का किया जाएगा। और हम अपना सीक्रेट दिखाते हैं अभी, इस साइड भी खुदाई हो चुकी है और ये हमारा सीक्रेट, ये रहा हमारा सीक्रेट के अंदर भी चलना है। क्यों, ईंट की जगह हमें पकना है क्या इसके अंदर जाने का? ओ बारी, कौन है? नहीं नहीं, कोई है, भूत भूत लग रहा है भाई, हमें अंदर जाना। अरे भाई, दांत पता चल रहा है, ये तो अब्दुल बारी है, ये अच्छा बच्चा है। गर्मी हो रही है, अबे ठंडी का मौसम चल रहा है, तुम्हें गर्मी है? जा 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 जा, आज अभी अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसे तैसे ईट नहीं। हाँ, अंदर आ, देख सकते हैं हम लोग। ये आदिल किसके जमाने का लग रहा है? अबे भाई, ये तो अंग्रेजों का जमाने का। वाह, मुक्का उक्का सब चल रहा है अंदर, बहुत। और अंदर गड्ढा भी है, अंदर गड्ढा भी है, कितना गड्ढा है देख, बहुत ऊपर है। क्या बात कर रहा है भाई, अबे चलना तो पड़े, अबे अबे भाई उतनी ही ऊपर तो है। अच्छा, बहुत, वो देखो यार,
तो बहुत ज्यादा गड्ढा लग रहा है अंदर, दिखबा नहीं करता मैं लगा। चलो भाग चलो ऊपर से, वरना एक ईंट गिरेगी। पता लगा पाने कितनी ऊपर है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए अब चलते हैं। वो बारी वारी सब वहां पे पहुंच चुके हैं, और ये भी उसी तरीके का। आदिल तुम्हारे पीछे गंदा हो चुका है, हाँ तुम्हारे पीछे उसी टाइप का ये भी गड्ढा होगा। सब सेम है ये, सिगरेट दुबई वाला। क्या सिगरेट है यार, दुबई वाले सब पीते हैं लंबा लंबा ना, हमारे यहाँ खुद ही इतना लंबा सिगरेट है। अब बताओ इस पे तो पूरा दुबई सिगरेट पिएगा, और नहीं तो क्या है कोई दुबई में ऐसा सिगरेट है जो दूर से देखोगे तो पतला नजर आएगा, पास जाओगे तो मोटा होता चला जाएगा। ये ऐसा सिगरेट है, इस सिगरेट की खासियत यही है, ओल्ड फ्लैग। गोल्ड फ्लैग इज माय, रहन दो फिर, हाँ रहन दो फिर। अबे सब कहाँ गए यार, बारी को देख कहीं पे बैठा हो कहीं। ये तो बड़का वाला गोल्ड फ्लैग, यहाँ पे जाने की बहुत योजना बना रहे हैं लोग। भाई क्या बांटा जा रहा है, कुछ नहीं टॉफी भी लेकर आए थे भाई, टॉफियों भी लेके आए थे, हमें तो मिली नहीं अभी। तुम क्या फैला रहे हो, बारी दो बारी, काम करो ऐसा है बेटा, देखो तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पे लाओ मिल बांट के खाया जाए, चिंगम कूचा जाए। टॉफी है ना ये टॉफी, ये हमें टॉफी मिली है। बिस्कुट ना लेके भीतर के जाने का परमिशन मिल गया है, आप कितने टाइम साढ़े पाँच बजे। सुबह कब कितने कब आते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं घर, और बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी है। हाँ इस भट्टे पे काम होगा तो कड़ी मेहनत होगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है। अभी हम लोग गए थे यहाँ पे, जो गैप दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग गए थे जस्ट वहाँ पे पहुँचने के बाद इतनी ज्यादा गर्मी, इतना ज्यादा तापमान बढ़ गया था कि हम लोग वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, इसलिए बाहर आ गए थे। बहुत ज्यादा अंदर गर्मी है, और हमारे चाचा सुबह आते हैं 8 बजे और शाम को कितने बजे जाते हैं चाचा, 5:30 बजे, 5:30 बजे घर जाते हैं। कोई भाई बहुत बड़ा वो है, किसी जग लड़ने से कम नहीं है ये सब। तो चलिए अभी तो बता रहे, परमिशन हम लोगों को नहीं मिली कि भट्टे के अंदर जाने की, क्योंकि भट्टे के अंदर ईंट है सब, अगर ईंट बाहर आएगा फिर उसके बाद हम जाएंगे भट्टे के अंदर, जाके वहां पे देखते हैं परमिशन मिल जाती है तो ठीक होगा, वरना भट्टे के अंदर तो जाने नहीं देंगे हम लोगों को। और ये हमारे आदिल भाई देख रहे हैं, इससे क्या होता होगा आदिल भाई, अच्छा यहाँ पे ईंट रखी जाती है, ईंट वाला ठेला होगा, भट्टे के अंदर से ईंट निकाला जाता है इससे। हाँ हाँ भैया लाइन से ही लगाएंगे, कोई नहीं गड्ढा। हम इस पे बैठ जाते हैं, आप हमको घुमा देंगे। देखो सलीम भाई, क्योंकि फरहान भाई हमारे लिए मिंटोस लेके आ गए हैं, तो जैसा कि हम आप लोग देख सकते हैं रहीम भाई को इतनी कड़ी मुश्किल के बाद आखिरकार हमें झुलाया जा रहा है, क्योंकि भट्टे में जाने की परमिशन हमें मिली नहीं, और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आप भी ऐसे झूलना चाहते हैं ये देखो, इधर भी फुल मस्ती चल रही है, इधर फुल मस्ती चल रही है। मुझे नहीं लग रहा वीडियो बनाने के मूड में कोई इधर आया है, मुझे नहीं लग रहा कोई वीडियो बनाने के मूड में आया है, इधर तो पूरी मस्ती ही चल रही है मस्ती। और क्योंकि हमारी पंपम गंडी हो चुकी है, और पंपम गंडी करने का हाथ पूरा हाथ सलीम भाई का नजर आ रहा है, तो गाइड इस बार सलीम भाई 12 लाख इधर भट्टे में एक टाइम में 12 लाख ईंट डाले जाते हैं, और एक महीने में कितना ज्यादा निकाला जाता होगा, एक महीने में सारा ईंट पक जाता है, ईंट में एक महीने में सारा ईंट पक जाता है। और यहाँ पे जो गैप दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर से हमने दिखाया था कि ये जो नीच टाइप था ये पूरा भरा जाता है, 12 लाख कम से कम 12 लाख ईंटों में ये सब पूरा कवर हो जाता है। हर रोज 8 से 10 आदमी इस भट्टे पे काम करते हैं, जैसे एक दिन में एक साइड का ईंटा पकाया जाता है, इसी तरह एक महीने में सारा ईंटा पकाया जाता है। और यहाँ काम करने वाले सब दिख सकते हैं आपको, ये देख सकते हैं भट्टा इतना ऊंचा है, और धूप तो भाई इतनी ज्यादा धूप लग रही है, धूप बहुत ज्यादा है। वैसे फिलहाल आज दावत दी अरमान भाई के घर, बहुत बहुत शुक्रिया उनका करना चाहता हूँ, जो कि हमें दावत दी ना भी देते वैसे क्या पहुँचने वाले, और हमें लगता है एक्सीडेंट करके मारेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनके चर्बी चली होगी, बहुत ज्यादा मस्ती हो रही है। और वो देखिए
तो ये जो भट्टा है, आज हम लोग आए थे आप लोगों को भट्टा दिखाने के लिए, लेकिन ईंट अंदर भट्टे के अंदर ईंट डाली गई है, इसलिए हम लोगों को परमिशन नहीं मिल पाई। अगर ये परमिशन मिल जाती तो हम लोग आप लोगों को पूरा भट्टा अंदर से दिखा सकते थे, लेकिन आज परमिशन नहीं मिल पाई क्योंकि अंदर ईंट है। लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं आप लोग, ये जब ये सब जो ईंट है यहाँ पे, इस समय ये पक चुकी है और ये निकाली जा रही है अभी, इसलिए भट्टे में जगह नहीं है। और ये सब पकने के बाद अगर जस्ट मतलब दूसरा ईंट डालेंगे तो हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि ये सब कैसे बनता है और कैसे भट्टे में डाला जाता है। और बारी भाई एकदम हद की है, जो कि हमें बहुत जगहों पे जा रहे हैं, कब से जा रहे हैं, कब से जा रहे हैं। ये देखिए इतना लंबा सीक्रेट है, सीक्रेट अगर हमारे पास होती तो हम पीती, और जिनके पास नहीं होती तो वो सिर्फ देखती और क्या करती, देखते ही देखते और क्या करते। और ये गाइस हमारे लेफ्ट साइड जो कि यहाँ पे बरगद का पेड़ है, ये सुनने में आया कि 50 साल पुराना है, और रात के 12 या 11 बजे के बीच यहाँ पे जो टॉयलेट करने आता है, इन पेड़ के अंदर से आवाजें आती है बहुत भयानक भयानक, जो कि हमारे इस समय 12:02 हो चुके हैं और हम इस पेड़ के करीब यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हमारी भी फट रही है, कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही है, बता नहीं सकते कि आदिल भाई पीछे से हवा छोड़ रहे हैं या फिर पेड़ की आवाजें हैं, ये सब हमें कंफर्म नहीं है। तो काफी मोटा पेड़ है और पेड़ के क्लोज हम अगर जाएंगे तो पेड़ और 2 इंच मोटा हो जाएगा। जैसे कि सिगरेट की खासियत हम बताए थे कि दूर से अगर सिगरेट को देखते हो आप तो सिगरेट काफी ज्यादा पतला नजर आता है, लेकिन सिगरेट के अगर आप क्लोज जाते हो तो सिगरेट और भी ज्यादा मोटा हो जाता है। तो उसी तरह इस पेड़ की भी खासियत है, अगर दूर से इस पेड़ को देखोगे तो पतला नजर आएगा। और हमारे बारी भाई जो कि हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनकी साइकिलें भाज रही है, ताला लगा हुआ है और काफी ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि इनके पास किसी के पास भी गाड़ी उड़ी वगैरह है नहीं, साइकिल से काम चलाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, वो भी रोजी रोटी पे हाथ मार रहे हैं मिस्टर बारी, और वो साइकिल लेके आके चले आए हैं और कादे से बैठे, ऐसा लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग भी उनके दुश्मन ही है, अगर वो आएंगे पूछेंगे साइकिल किधर है तो हम लोग बता देंगे कि बारी वहाँ पे घास में लिटा के बैठे हुए हैं। तो पेड़ की खासियत तो जैसे कि हमने आप लोगों को बता ही दिया है, तो आदिल भाई सबसे ज़्यादा पेड़ पे चढ़ने में माहिर है, और जो भट्टे पे काम करते हैं वगैरह मतलब जो आते हैं या 1 या 2 महीने तक घर नहीं जाते, वो चाचा बता रहे थे, चाचा को तो मतलब ऐसा है कि बाल बच्चे हैं इसलिए घर चले जाते हैं देखने दाखने के लिए, और सब जो जवान हैं यहाँ पे भट्टे पे काम करते हैं वो कहीं घर और नहीं जाते, बल्कि यहीं पे दो चार ईंटा अपना उठा करके यहाँ पे रहते हैं। सुनो वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वो छोटा घर जो दिख रहा है वो भट्टे पे मतलब काम करने वालों का ही है, और वहाँ पे जो है होगा 8, 9, 10, 11 मतलब घर होगा, वो सब यहाँ पे काम करने वाले का ही है। और आदिल भाई सबसे ज्यादा पेड़ पे चलने पे माहिर है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आदिल के साथ साथ बारी भी चढ़े हुए हैं, और हमें पेड़ पे चढ़ना आता नहीं, तो हम देखेंगे। और पेड़ के पास बैठने में इतनी ज्यादा मस्ती है, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी हवा आ रही है, ऐसा लगता है विंडो एसी के करीब हम लोग बैठे हुए हैं। तो आदि जैसे पुराना शिकार अपना जो बचपन में खेले थे इस पेड़ पे, कहने का मतलब आदि का यही है ना, आदि का कहने का मतलब यही है कि पुराना शिकार जो आदि खेले थे इस पेड़ पे खेले थे, मतलब यहाँ पे आए थे शहद निकालने के लिए। शहद आदि कैसे निकालते हो आप हम बता देते हैं, शहद के मतलब अगर आप मतलब ऐसे ही कुछ मतलब स्मोक स्मोक किए बगैर अगर आप शहद के पास जाओगे तो शहद का छत्ता उधर जाएगा और आप लोगों को शहद काट लेगी, तो उससे अच्छा होगा सेफ्टी के लिए हम बता दे रहे हैं कि गाड़ी पे चढ़ाने वाला हेलमेट होता है और एक चादर होती है, वो ओढ़ लीजिएगा और हेलमेट लगा लीजिएगा, और हाथ में थोड़ा सा स्मोक मतलब ऐसी चीज ले लीजिएगा जिससे कि स्मोक काफी ज्यादा धुआं हो काफी मात्रा में, तो वही धुआं लेकर जाइए आप छत्ते के आरी आरी नचाइए, और शहद मक्खी इंशाल्लाह सब बेहोश हो जाएंगी, आप अच्छे से शहद निकालिए और आके नीचे बैठ के रस का मजा लीजिए। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, बस आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, सो इसी के साथ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बारी गिरा बारी गिरा बारी गिरा करें बारी बारी गिर मत जाइए।